Welcome back to my channel. In this video tutorial, we'll discuss how to retrieve data from more than one website. यानी एक वेबसाइट से ज़्यादा डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं by using web scraping. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं दिया टाइटल, तो रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट विद हेल्प ऑफ द वेब स्क्रैपिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको इम्पोर्ट करना है पैकेज, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट. ठीक है, एक पैकेज, और दूसरा इम्पोर्ट from BS4, okay, import beautiful soup. ठीक है, तो दो पैकेज, एक रिक्वेस्ट करने के लिए URL को, और दूसरा डाटा को स्क्रैप करने के लिए. तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ, यहाँ पे से लाइक URLs इक्वल टू, तो पहले URL के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ Flipkart का. ठीक है, इसको कॉपी करते हैं URL को, और दूसरा यहाँ पे आई टेक वन मोर. ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे Amazon को, Amazon का जो URL है. ठीक है, और इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. ठीक है, दो दो URL लिया मैंने यहाँ पे, तो URL बेसिकली लिस्ट है. ठीक है, सो फॉर URL इन URLs. ओके, और यहाँ पे आर यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट, तो कहाँ से, URL से. ठीक है, और सूप को कॉल करते हैं यहाँ पे. ओके, और उसके बाद में ये जो पैकेज है, पैकेज को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे. ओके, ब्यूटीफुल सूप, देन आर डॉट यू नो टेक्स्ट. सो टेक्स्ट को हमको लेना यहाँ पे, और बाद में यहाँ पे पार्सर html डॉट पार्सर, या तो यहाँ पे lxml भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, यू कैन टेक एनी वन. देन अभी हम दोनों साइड से प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे दोनों को टाइटल. तो दोनों मतलब यहाँ पे फ्लिपकार्ट का टाइटल क्या है और अमेज़ॉन का टाइटल क्या है, वो हम देखेंगे इससे. ठीक है, तो मैंने अभी दो साइट का नाम यहाँ पे मेंशन किया, यानी एक है फ्लिपकार्ट का, दूसरा अमेज़ॉन का. तो चलिए कोड को रन करते हैं यहाँ पे. तो जैसा आप कोड को रन करते, तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो टाइटल, यहाँ पे देखिए ये आया पहले फ्लिपकार्ट का, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर ग्रॉसरी लाइफस्टाइल. ठीक है, और ये है टाइटल का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कर्सर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर. ठीक है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक ग्रॉसरी फर्नीचर वगैरह. और दूसरा यहाँ पे अमेज़न का ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया बोल के आया. ठीक है, अब देखेंगे इसका क्या आया. देखिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल बुक्स वॉचेस शू, ऐसा बोल के. ठीक है, तो ऐसे करके आप मल्टीपल वेबसाइट से डाटा अगर आपको स्क्रैप करना है, सो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ द टू पैकेजेस. वन इज़ रिक्वेस्ट, ये तो URL को कनेक्ट करने के लिए होता है, यानी URL के लिए, और दूसरा होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये ब्यूटीफुल सूप पैकेज यानी BS4 पैकेज. ठीक है, और ओके, और एक एग्जांपल यहाँ पे कवर करेंगे. सो चेक के वेबसाइट वेदर इट अलो यू नो वेब स्क्रैपिंग और नॉट. वेब स्क्रैपिंग वेबसाइट अलो करता या नहीं करता. कुछ वेबसाइट अलो नहीं करते बेसिकली, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कॉमन लाइक शॉपिंग साइट जितने भी है, ई कॉमर्स का जो साइट है लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह, तो वो लोग अलो करते हैं, क्योंकि उनको मतलब कहीं ना कहीं से सेल उनको करना है. तो स्क्रैपिंग करने के लिए अग्रीगेटर जो भी है, तो उनके रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे पास करेंगे URL, एक URL लेंगे यहाँ पे लाइक अमेज़ॉन का. ठीक है, तो अब यहाँ पे पास करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे तो प्रिंट करके देखेंगे उसका स्टेटस कोड, यानी आर डॉट स्टेटस नो कोड. अगर तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया ऑलरेडी, स्टेटस कोड अदर देन 200 मीन्स दैट इज़ नॉट अलाउड. अगर 200 आया स्टेटस का कोड, यानी वो जो साइट है स्क्रैपिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब वी कैन एबल टू स्क्रैप डेटा ओके दैट फ्रॉम दैट वेबसाइट. तो चलिए कोड को रन करके देखते हैं, एक बार दोबारा रन करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए अभी जो यहाँ पे 200 आया स्टेटस कोड, इसका मतलब साइट जो है स्क्रैपिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब. ठीक है दोस्तों, तो ये था दो एग्जाम्पल वेब स्क्रैपिंग के ऊपर. ठीक है, थैंक यू.